जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात चौराहे से रोडवेज बस स्टैंड तिराहे तक सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर के द्वारा खाली करवाया गया तथा चालान भी किया गया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि अप्रैल के पूरे माह प्रतिदिन नगर क्षेत्र में चौराहे चिन्हित किया गया है, यहाँ पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया गया है। उसी के आह्वान पर कई विभागों द्वारा संयुक्त टीम बनाई गई है तथा प्रतिदिन एक मजिस्ट्रेट नामित किया गया है जो इस अतिक्रमण अभियान को लीड करेगा। इसी संबंध में बुधवार को यातायात तिराहे से रोडवेज बस स्टैंड चौराहे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को यहां से हटाया जा रहा है उनके लिए स्थान चिन्हित किया गया है, वहां जाकर अपना कारोबार करने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है और पूरा प्रयास रहेगा कि जो प्रमुख मार्ग है वह पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रहे, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था सही ढंग से चल सके। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, नगर निगम प्रवर्तन दल प्रभारी सीपी सिंह, सीओ कैंट श्याम देवबिंद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, नहीं तो अन्यथा आपके समान जब्त की जाएगी, साथ ही जुर्माना होगा। पी के माध्यम से यह अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। ये जो भी लोग ये नाले के ऊपर भी आप लोग जो लगा रखते हैं, कल हम लोग ने अनाउंस किया तो पता नहीं था, मालूम था ना कुछ बनी क्या ढीठ बन रहा क्या ढीठ बन रहा है और रुको 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 ये जाके उस गेट से उधर जाओ, रेलवे स्टेशन के सामने वाला बिल्कुल खाली कर दो, इतनी गंदगी कर रहा है ये स्टेशन है, जाओ वहाँ पर कैमरा चल बहुत सारी गंदगी बनाए पड़े हुए हैं।
उसके बाद उसके बाद अभी वो चलान भी बांधेंगे आपने आपने जैसे मेरे को मैसेज किया मैंने सब बता दिया था शाम से मैंने हाँ चलान भी अब आई तो यहाँ जो चलान डंपर वाला मैंने बोला था डंपर वो और चार आदमी मैंने अपन था वो कल शाम भी बता ये पंखों को भी हटाइए आप लोग अरे हटाओ के ले लो आप लोग बाहर निकल जाओ चलो निकल जाओ अरे कलर साहब कह रहा फोटो ले लो सब ले रहे हैं सर चलो घर से दूर मांग लो अंदर से कनेक्शन दिया है निकाल लो उसका बिजली वाला अप्रैल में प्रत्येक दिन यहाँ पे गोरखपुर क्षेत्र में जो नगर क्षेत्र है वहाँ पे चौराहे चिन्हित किए गए हैं और प्रमुख मार्ग चिन्हित किए गए जहाँ पे पूर्व में अतिक्रमण हुए थे तो उसी के लिए प्रशासन की पुलिस की ट्रैफिक की नगर निगम और जो भी और डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक टीम संयुक्त टीम बनाई गई है और हर दिन एक ना एक मजिस्ट्रेट नामित किया गया है जो कि इस अतिक्रमण अभियान को लीड करेगा तो उसी के क्रम में आज यातायात तिराहे से अतिक्रमण अभियान चालू किया गया और जो कि यहाँ रोडवेज चौराहे तक आके यह अभियान खत्म हुआ है तो क्योंकि इस अभियान के संबंध में पूर्व में ही जो भी स्टेक होल्डर्स थे जो भी पटरी व्यवसायी थे या जो भी व्यापार मंडल के लोगों के सबके साथ वार्ता की जा चुकी है तो सभी सहमत थे कि जो अतिक्रमण उसको हटवाया जाए और जो हमारी मेन रोड है वो कैरेज वे उसको पूरी तरह से खाली रखा जाए तो उसी क्रम में यह कार्रवाई चल रही है और जिन भी लोगों को हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं या जिसको भी यहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है उनके लिए हम लोगों ने स्थल चिन्हित किए हैं उनको वहाँ पर कारोबार करने के लिए हमने स्थल दिया हुआ है तो वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारा प्रमुख मार्ग है वो पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रहे जिससे कि जनता को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुगम रूप से चल सके। सर रोडवेज और साथ का निरीक्षण भी किया गया देखिए रोडवेज के संबंध में कई बार शिकायतें आई है कि कई बसें जो हैं वो बाहर रोड पर खड़ी रहती हैं जिससे अनावश्यक रूप से जाम लगा रहता है तो इसी क्रम में आज वर्कशॉप का निरीक्षण किया गया वहाँ पर स्पेस कितना ये देखा गया है तो इस मामले में RM रोडवेज के साथ भी किया गया है और उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा और ये जो बसें बाहर खड़ी होने की समस्या है इसका जल्द ही निजात दिलाया जाएगा इससे।